दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। यूपीटीटी 2017 की जो एग्जाम हुई उसके इन्वायरमेंटल स्टडीज का यहां पे आंसर की आप लोगों के सामने उपलब्ध है, तो आप लोग जरूर देखें और मिला लें कि कितना क्वेश्चन आप लोगों का इसमें सही हुआ है। तो चलते हैं एक एक क्वेश्चन करके हम लोग देखते हैं 121 से 150 तक। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, इस क्वेश्चन में 24 जनवरी 1950 इस दिन जो है संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो पुष्कर मेला अजमेर में आयोजित किया जाता है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है, तो ये सारी पराबैंगनी किरण है अल्ट्रावायलेट लाइट्स, तो यहाँ पे यूवीसी जो सबसे ज्यादा हानिकारक होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो कवक जो होता है वो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं होता है, तो ये तीसरा इसका ऑप्शन होगा कवक। अगला क्वेश्चन है गिर शेर परियोजना अवस्थित है कहां पर, तो गिर शेर परियोजना गुजरात में अवस्थित है, तो इसका पहला ऑप्शन ही सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो WWF से क्या आशय है, तो WWF का मतलब होता है वर्ल्ड वॉर फंड, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो गंगा नदी कहां से निकलती है, तो इसका आंसर होगा 3, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन के से संबंधित है, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है जो कि प्रदूषण का मापन करती है, प्रदूषण का मापक है, यूनिट उसका वहां पे वो लोग इसकी देखभाल करते हैं और इसका मापन करते हैं, तो इसका ऑप्शन होगा 2, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इसके आगे अगर चलें तो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहां पे अवस्थित है, तो कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है वो एंडीज में उपस्थित है, तो इसका ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन जो है तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है, तो तिब्बत की सांगपो नदी ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है हमारे यहाँ। अगला क्वेश्चन जो है घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं, तो घास भूमि क्षेत्र में जो पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं वो होते हैं शाकाहारी, तो इसका ऑप्शन होगा 1। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है, पृथ्वी तल के जो नजदीक स्तर है वायुमंडल का वो है क्षोभ मंडल, ये आप लोग जरूर जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, तो ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहां पे अवस्थित है, तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलें तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य का प्रकाश सनरेज होता है, तो इसका ऑप्शन होगा 2। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो एगमार्क का संबंध किससे है, तो एगमार्क का संबंध गुणवत्ता से है, पैकेजिंग संसाधन या उत्पादन से नहीं है, इसका संबंध गुणवत्ता से है, तो ऑप्शन 1 इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ अगर चलें तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक कहां पे हो रहा है, किस राज्य में, तो आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में हो रहा है। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित कब किया गया था, तो ये जो अधिनियम था वन्य जीव सुरक्षा का वो 1972 में पारित किया गया था, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, ये ऑप्शन 3 इसका सही होगा। 140वां क्वेश्चन देखें अगर तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्यों को जिस देश के संविधान से लिया गया है उसका नाम है USSR, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो ध्रुव तारा किसे कहा जाता है, तो दक्षिणी तारे जो होते हैं उन्हें ध्रुव तारा कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था कब, तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 यानी कि 1973 में पारित किया गया था, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें कि फूलों की घाटी कहां अवस्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें तो एक वयस्क मानव में कुल कितनी अस्थियों की संख्या होती है, कितनी अस्थियां होती है, तो 206 अस्थियां होती है वयस्क मानव में, तो इसका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे अवस्थित है, तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम में अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन होगा 3। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान
किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण का जब प्रकाशीयकरण चरण होता है उसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और NADP का अपचयन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो LPG के संदर्भ में ये सत्य है कि यह स्वच्छ ईंधन है, यह भी सत्य है कि यह उच्च मौसमीय मान का है और नीले ज्वाला से जलने वाला है, ये भी सत्य है। लेकिन मेथेन ऊर्जा, ये मेथेन उत्सर्जित नहीं करता है क्योंकि मेथेन तो बहुत विषैला होता है, तो ये इसका गलत है। तो ये ऑप्शन होगा कि यह मेथेन उत्सर्जित करने वाला है, ये बात सत्य नहीं है। तो इसका आंसर होगा 4। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो द ऑरिजिन ऑफ स्पाइसेस, प्रजातियों की उत्पत्ति रचना है किसकी? तो चार्ल्स डार्विन की रचना है प्रजातियों की उत्पत्ति, तो ये इसका ऑप्शन होगा 2। अगला क्वेश्चन है कि मकर रेखा है, तो मकर रेखा का यहाँ पे पोजीशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा का पोजीशन है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे अवस्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। तो ये 150 क्वेश्चन का आंसर हुआ। दोस्तों आप लोग जरूर बताइए कि इसमें आप लोगों का कितना प्रश्न सही हुआ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।